राजवीर आए और यहाँ से हमारा पैदल रास्ता शुरू होगा। तो ब्रह्मकुंड है जू सफारी का, राजगीर में आप सबका स्वागत है और आज मैं आप लोग को घुमाने वाला हूँ यहाँ का वाइल्ड लाइफ सफारी। मैं निकल पड़ा हूँ दोस्तों आज के इस सफर पे और हम जा रहे हैं, सबसे पहले मैं जाऊँगा आज नेचर वाइल्ड लाइफ सफारी करने। मेरे पास ऑलरेडी टिकट है, मैंने टिकट जो है ऑनलाइन से बुक कर लिया था। तो ये रहा दोस्तों, मैं पहुँच गया राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। ये जो नेचर सफारी का जो टिकट है ना, ये दोस्तों आपको ऑनलाइन से निकालना पड़ेगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी जो जू सफारी वगैरह है उसका टिकट तो आपको यहीं से मिल जाएगा। नेचर सफारी का क्रेज़ ज़्यादा है इसलिए उसका टिकट जो है जल्दी बुक हो जाता है, तो वो टिकट आपको पहले निकाल लेना पड़ेगा और फिर वहाँ पर आपको बस ये काउंटर में आके वो टिकट आपको दिखाना है और फिर एंट्री। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक जू सफारी है, एक नेचर सफारी। नेचर सफारी जो है नेचर रिलेटेड चीज़ आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा राजगीर का फेमस ग्लास ब्रिज, उसके बाद एक वो जो हिलने वाला ब्रिज आता है जो नेपाल साइड में रहता है, वो जो झूला टाइप का लक्ष्मण झूला जैसा होता है ना, वो वाला नाम भूल गया मैं उसका अभी, वो वाला ब्रिज है, तो ये देखने को मिलेगा। और जू सफारी में जो है एनिमल वगैरह आपको देखने मिलेगा, लायन है, टाइगर है, हिरन है, भालू है, वो सब देखने मिलेगा। दोनों का टिकट जो है अलग अलग है, नेचर सफारी का लेंगे तो 300 रुपये है और जू सफारी का अगर आप टिकट लेंगे तो 250 रुपये उसका पे करना पड़ेगा। यार इतना बड़ा जगह है यार, पेड़ पौधे लगा के रखना चाहिए था यार, छाव नहीं है कहीं पे, इतना ओपन स्पेस है साला, ये छोटे छोटे फूल पौधे लगा के पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। इतना गर्मी है कि हालत ख़राब हो रहा है यार, और ये पेड़ पौधे लगा के रखते ना मज़ा आ जाता। और ये यहाँ पे ये जो जू सफारी में जो जो जानवर है वो उसका सब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे अपना बुद्धा जी। ये है वेटिंग हॉल और यहीं से आपको जू सफारी का टिकट भी मिल जाएगा। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम जैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये साइड में जू सफारी और ये साइड में नेचर सफारी, जिनको जिनको जू सफारी जाना है तो वो इधर जाएंगे और नेचर सफारी के लिए इधर है। ये सब फुल एसी वाला बस है तो आपको गर्मी नहीं लगने वाला, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। खिड़की के पास बैठने के लिए लड़ाई मत करना क्योंकि चारों ओर सिर्फ जंगल ही देखने मिलेगा आपको। तकरीबन 15 मिनट का जर्नी के बाद आप पहुंचोगे नेचर सफारी के गेट के पास। दोस्तों बस जो है बाहर खड़ा किया हम लोग को और यहाँ से हमारा पैदल रास्ता शुरू होगा। यहाँ से मैं जाऊँगा सबसे पहले ग्लास ब्रिज, उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से पैदल जा सकते हो, नहीं तो सामने टोटो वगैरह खड़ा है वो भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये वाला रास्ता है ग्लास ब्रिज का। ओह यहाँ पर ये सारे एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो, सस्पेंशन ब्रिज है, जीप बाइक, जीप लाइन भी है और ऊपर सारे प्राइस वगैरह दिया हुआ है 100-150 करके सब। तो ये है दोस्तों ग्लास ब्रिज, 12 से ज़्यादा एंट्री नहीं है यहाँ पे, 12 लोगों से ज़्यादा, और दो तीन मिनट के लिए यहाँ पे टाइम है, उतने में घूम के निकलना पड़ेगा। मेरा ग्लास ब्रिज घूम के हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज जो है ये ग्लास ब्रिज से निकलने के बाद राइट साइड जाना पड़ेगा आपको, सीधा है वो, कुछ बस 10 मिनट का रास्ता है, उससे भी कम होगा बाय वॉक, नहीं तो सामने टोटो वगैरह खड़ा रहता है उसके साथ आप जा सकते हो। ग्लास ब्रिज में 6 साल से नीचे के बच्चे का एंट्री नहीं है, 6 साल से ऊपर का है और एक साथ में सिर्फ 12 लोग ही जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा मुझे उधर एक बड़ा वाला सस्पेंशन ब्रिज है वो साइड में, फ़िलहाल वो वाला बंद है। तो ये जो है ना ये छोटा वाला सस्पेंशन ब्रिज है,
इसको चालू करके रखा है, वो साइड में बड़ा वाला जो है वो बंद करके रखा है, वो वाला और भी ज़्यादा खूबसूरत। तो ये था दोस्तों ग्लास ब्रिज का सफारी, ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज, ये दोनों मिला के हो गया आपका नेचर सफारी राजगीर का। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी है, जैसे जिप लाइन है और साइकिल जिप लाइन वगैरह सब है वहाँ पे। तो इसके लिए जो है ना आपको अलग से पेमेंट करना है, मतलब जहाँ पे आपको जिप लाइन का जो एरिया है वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो जो राजगीर का जो नेचर सफारी है इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें इंक्लूड है, एक तो आपका सस्पेंशन ब्रिज और दूसरा आपका ये ग्लास ब्रिज। तो फिलहाल मेरा हो गया राजगीर नेचर सफारी ख़त्म। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर टाइम है तो मैं यहाँ का जो जू सफारी है वो भी कर लेता हूँ। 2:30 बज रहे हैं, मैं देखता हूँ जू सफारी में कितना टाइम लगता है और अभी टिकट अवेलेबल है या नहीं। टिकट अवेलेबल रहा तो करूँगा और टिकट अवेलेबल नहीं रहा तो यहाँ से निकल जाऊँगा और जाके ब्रह्मकुंड के स्विमिंग पूल में तैरूँगा मस्त 70 रुपये दे के। तो ये मैंने टिकट निकाल लिया है जू सफारी का, मैं सोचा कि ये भी घूम लेता हूँ। चलो भाई, जू सफारी का लास्ट टाइमिंग है 3 बजे। नेचर सफारी करने के बाद आप जू सफारी कर सकते हो, वेटिंग हॉल के टिकट काउंटर के पास से आपको जू सफारी का टिकट मिल जाएगा। इस जू सफारी में आपको हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू, नीलगाय और शेर जैसे गिने चुने जानवर ही देखने मिलेगा बस। अगर बात करें रिव्यू की तो मैं बोलूँगा कि एवरेज है, मतलब जैसा जो जू करके, मतलब जो लोग चिड़ियाघर जाने का जिनका आदत हो गया है ना उनको तो मज़ा नहीं आएगा, उनको बोर लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास जानवर है नहीं, बस भालू, शेर, बाघ, तेंदुए और हरिन वगैरह है। तो और वो भी बहुत दूर दूर है, आपको सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और गाड़ी चलते जाएगा। एक और मेन बात ये कि ये सफारी वगैरह जो होता है वो ओपन वाला जीप में होता है, ओपन जीप में। ये तो बस में लेकर के गया, एक साइड में दिख रहा है तो दूसरे साइड के पैसेंजर्स को नहीं दिख रहा है, तो बस में क्या ही मज़ा आएगा सफ़र। फिलहाल जो था यही था, 250 रुपये लिया है इसका पूरा सफारी का। अभी 4:30 बज गए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों मुझे ना ये जगह पे नहाने का बहुत मन कर रहा था तो मैं सोचा कि शाम को टिकट जब उधर घूम के हो जाएगा सफारी वगैरह तो इधर आके मैं थोड़ी देर के लिए चिल कर लूँगा। इसका पानी देख के मेरे को इतना दिल मेरा शांत हो गया यार, सच में। ये लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, ये लोग सच कह रहा दोस्तों। राजगीर आए और इस स्विमिंग पूल में नहीं नहाया ना तो बहुत बड़ा मज़ा मिस कर दोगे आप, पूरा दिन का जो है थकावट यहाँ पे दूर हो जाएगा आपका। पूरा दिन आप घूम लो और शाम को आके यहाँ पे नहा लो 70 रुपये टिकट निकाल के। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आज मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, यहाँ से नहाने के बाद फिर मैं होटल जाऊँगा, उसके बाद रात को सो के नेक्स्ट डे कल सुबह यहाँ का जो शांति स्तूप है वो सब एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और